कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो टीचर नेम है ये क्या है और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। ये प्रॉब्लम गाइस आपको तब होता होगा जब गाइस आप अपने किसी भी पासवर्ड को फॉरगेट करने जा रहे होंगे, तो गाइस वहाँ पे आपको टीचर नेम पूछता होगा। तो अगर गाइस आपको टीचर नेम पता है तब तो गाइस आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो, लेकिन आपको टीचर नेम ही पता नहीं है और ये भी नहीं पता कि टीचर नेम क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ, मेरे को पासवर्ड पता नहीं है, तो जैसे मैं यहाँ पे फॉरगेट करने जा रहा हूँ, देख सकते हो लिख के आ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑन ऑफ योर टीचर नेम, यानी कि टीचर नेम क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे अपने टीचर नेम डाल दोगे उसके बाद यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है फॉरगेट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मैं अपने टीचर नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं टीचर नेम डाल दिया और यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो सेट प्राइवेसी पासवर्ड, यानी कि मेरे यहाँ पे जो पासवर्ड है फॉरगेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से कोई से भी एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूं। तो यहां पे फाइनली देख सकते हो मैं एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लिया हूं और मैं जैसे यहां पे फेसबुक को ओपन करता हूं और यहां पे जो मैं न्यू पासवर्ड क्रिएट किया हूं वो मैं यहां पे जैसे डालता हूं, उसके बाद यहां पे जो मेरा फेसबुक है यहां पे ओपन हो जाता है। फिलहाल मैं देख सकता हूं फेसबुक के अंदर न्यू अपडेट आया हुआ है। तो आपको पता नहीं है कि यहां पे फेसबुक को कैसे अपडेट करना है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना, मैं आपको उस पर वीडियो बना करके उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो फिलहाल गाइस मैं आपको बता देते हैं कि जो टीचर नेम है कहाँ पे देखने को मिले। आपके पास कोई सा भी कंपनी का मोबाइल हो, आपका मोबाइल सेटिंग हो गए, तो सिंपल से आप अपना मोबाइल सेटिंग ओपन कर लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना। नीचे में गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल का, यहाँ पे देख सकते हो, तो गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो आपको इसी पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे ने, उसके बाद गाइस आप में यहाँ पे कुछ टाइम प्रोसेसिंग चलेगा और आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, स्वैप करके इधर आना है। यहाँ पे गाइस आप जैसे स्वैप करोगे तो यहाँ पे सेक्रेटरी का ऑप्शन होगा, तो सेक्रेटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे आ जाना। नीचे में गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिला होगा, यहाँ पे देख सकते हो तो पासवर्ड मैनेजर का, तो सिंपल से पासवर्ड मैनेजर वाले ऑप्शन पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक गूगल इंस्टाग्राम यहाँ पे आपका शो कर रहा होगा। अगर गाइस आपको कुछ इस टाइप से नहीं देखने को मिल रहे हैं तो आपके मोबाइल में यहाँ पे 2-3 जीमेल अकाउंट होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में जितना भी जीमेल अकाउंट वो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो एक एक करके आपको सभी में चेक कर लेना, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस जैसे आपको देखने को मिल जाता है उसके बाद फेसबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइनली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फिलहाल मैं गाइस देख सकते हो जैसे आई बटन पे क्लिक किया मेरे को देखने को मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना, उसके बाद यहाँ से आपको मिनिमाइज कर देना। जैसे मिनिमाइज करते हो उसके बाद फिर से आपको फेसबुक को ओपन करना और फिर से इंटर पासवर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गए यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे आपको पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद फॉरगेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो फॉरगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वहाँ पे जो आपने कॉपी किया है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, या फिर गाइस मेरे को यहाँ पे याद है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना उसके बाद यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है फॉरगेट हो जाएगा और यहाँ पे गाइस फाइनली देख सकते हो आपका जो टीचर नेम है फाइनली यहाँ पे सही था, इसलिए मेरा यहाँ पे इसके आगे की प्रोसेस हो रहा है। अगर सही नहीं रहता तो मेरे को इसके आगे की प्रोसेस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे देख सकते हो सेट प्राइवेसी पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो आई होप ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।